आज दबंग बिहार स्टार टीवी की पूरी टीम यहाँ पर बाजपट्टी प्रखंड के बर्री फुलवरिया के अंदर है। बर्री के अंदर पीके बिहारी साहब, जो काफ़ी शोहरत और नामवर शख्सियत का नाम है, वो एक सामाजिक और सियासी कार्य हमेशा अपने हिसाब से करते रहते हैं, यहाँ लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं। बाजपट्टी प्रखंड की जनता ये चाहती है कि पीके बिहारी साहब एक एमएलए के रूप में आए, ताकि इनका यह देखा हुआ एरिया है, यहाँ पर रहे हुए हैं, इनका ख़ानदानी एरिया है, ये चाहते हैं अगर ये एमएलए बनकर आते हैं तो बाजपट्टी प्रखंड के लिए बहुत सारा ऐसा काम जो अब तक किसी एमएलए ने नहीं किया वो करेंगे। तो आइए, हम उनके निवास पर आए हुए हैं और दबंग बिहार स्टार टीवी की पूरी टीम है और तमाम पब्लिक यहाँ पर है। हम इन्हीं के जबानी से जानना चाहते हैं कि आखिर किस मकसद को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि पूरे बिहार के अंदर चुनावी बिगुल जो है फूका जा चुका है। सब कैंडिडेट, सब उम्मीदवार अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपने अपने इलाके में दौरा कर रहे हैं। बाजपट्टी प्रखंड का पूरा एरिया पीके बिहारी साहब को अच्छी तरीके से जानती है और उनके कार्य को भी जानती है। ये अच्छे एक समाज सेवक है। आइए उनकी जबान से सुनते हैं कि आखिर क्यों वो चुनाव मैदान के अंदर आए। सबसे पहले मैं आप सभी दबंग बिहार स्टार टीवी के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। उनके जितने भी कार्यकारी, जितने भी लोग हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। आप के पूरे टीम को मेरा सादर प्रणाम। और मैं बाजपट्टी विधानसभा में चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं, आपने पूछा कि आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव का मकसद है कि हमारे यहां पे हम लोग, जैसे इससे पहले हम प्रदेश में रहते थे, तो वहां पे बहुत सारी सिस्टम है जो यहां पे नहीं हो पाता है और वो सिस्टम का फॉलो यहाँ का नेता नहीं कर पाता, कोई प्लानिंग करता नहीं, और हम लोग आज बहुत पीछे होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कई राज्य बहुत अच्छे अच्छे रोजगार के लिए, जैसे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे उसको रोजगार दिया जाता है। हमारे बिहार में रोजगार की समस्या है, यहाँ पे है ही नहीं, हम लोग प्रवासी मजदूर बन के रह गए हैं, तो ये समस्या है। इसके बाद आप देखिएगा, दो तीन पॉइंट बोल देता हूँ कि इसके बाद आप देखिए तो शिक्षा भी, शिक्षा की बहुत कमी है यहाँ पे भी। जिनको शिक्षा अच्छी चाहिए वो भी बाहर जाते, बिहार से बाहर ही जाते हैं शिक्षा के लिए, तो ये सब चीज की कमी है। इस पे हम पूरी ईमानदारी वफादारी से वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा हम सत्ता में आने के बाद इस सब पे बहुत मेहनत करके लोगों के अंदर वो सुविधा पहुंचाऊंगा जिनकी जिसकी कमी है हमारे क्षेत्र में, जो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हमने पूरा प्लानिंग के साथ ये काम करना चाहता हूं अपने बाजपट्टी प्रखंड में, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जो जो कमी है। जैसे आप देख लीजिए कि कई गांव में मैं गया हूं बाढ़ के समय, वहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। पुरथैया पंचायत के एक गांव है, क्या नाम है उसका, कोई तो गांव है बीच टापू में दिख रहा है, वहां पे जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो उस गांव में जब मैं गया बारिश या बाढ़ के समय, तो जाने के बाद वहां की जनता इतना खुश हुआ कि कोई आदमी आया है मिलने के लिए, कि वो लोग बोल रहे कि यहाँ पे कोई नेता आता नहीं, आप कैसे पहुंच गए, आपकी टीम कैसे पहुंच गई, तो ये समस्या है। तो वहां पे जाने के बाद उनके अंदर वो फीलिंग आया और उनका भाव देख करके ना बहुत मन में तकलीफ हुआ कि भाई अगर कभी तबीयत खराब हो जाए रात में या दिन में भी अचानक से ज्यादा खराब हो जाए तबीयत, तो ये लोग कैसे जाएंगे हॉस्पिटल, कोई सुविधा नहीं है नजदीक में, वहां पे हॉस्पिटल भी नहीं है। कई गांव ऐसे सौरिया में गए, चकौती में गए, बहुत सारी गांव में जाने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे स्थिति एकदम से नाजुक बना के रख दिया, लेकिन फिर भी गलती किसका है तो हम ये नहीं कहेंगे। आज